तो गाइस कैसे हो? बढ़िया ना। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक शानदार वीडियो लेके। मेरे पास है ये नींबू और ये है थोड़ा कलर, ये रहा इसमें मीठा सोडा, मतलब बेकिंग सोडा जो आप घरों में यूज करते हो, और ये है इनो। अभी क्या करते हैं, सिंपली नींबूओं को स्क्वीज करके इस ग्लास में डालते हैं, उसके बाद उसमें एक बार बेकिंग सोडा डालेंगे, उसके बाद उसमें ये इनो भी डालेंगे और थोड़ा सा कलर भी ऐड कर देंगे, जिससे जो फॉग व्हाइट होता है या कुछ भी निकले जो व्हाइट होता है वो कलर चेंज हो जाए। सिंपली इस ग्लास में थोड़ा सा नींबू का रस डालते हैं, क्योंकि इसमें हमें इनो डालना है सबसे पहले। इतने हाँ इतना काफ़ी है, इतने में हम डालेंगे ये इनो और देखते हैं कि क्या कुछ होता है। तो गाइस आप रेडी हो जाओ, 1, 2 एंड 3। कुछ हो तो रहा है, बढ़िया सा बन रहा है ना, कुछ देखो जरा। ओ भाई साहब, अभी देखो आप, झाग एकदम ऊपर सा आ रहा है, बढ़िया। मतलब हाँ, अभी इसको इधर साइड में रखते हैं, इसमें डालते हैं थोड़ा सा कलर, क्योंकि बेकिंग सोडा जब हम इसमें ये डालने वाले हैं तो कलर रहेगा, तो ये अच्छा कलर से ऊपर आएगा। थोड़ा सा कलर डालते हैं, ऑरेंज रेड। अब हम इसमें डालने वाले हैं ये बेकिंग सोडा। अभी से आप देख रहे हो ये बाहर बाहर सा गया, इसको मैं इसको चम्मच से डालूंगा। एक चम्मच डालते हैं सबसे पहले, लो भर के। अब देखना एकदम आराम से क्या होने वाला है। 1, 2, 3। ओ भाई साहब, और डालता हूँ मैं, देख रहे हो मतलब क्या मस्त। अगर इसको मैंने बॉटल में रखा होता तो वो वॉल्केनो टाइप का मस्त हो ही जाता। अभी आप देखो, मैं दिखाता हूँ थोड़ा पास से, देख रहे हो क्या मस्त एकदम निकल रहा है, लावा टाइप का एकदम रेड रेड हो रखा है ना। ये नीचे से आता जा रहा है, ऊपर से फूटता जा रहा है मस्त। यहाँ पे देखो आप, इसके सबसे नीचे क्या हो रहा है, चिक 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 चिक। अभी अपन क्या काम करेंगे, इसमें डाल देंगे ये इनो वाला। भाई साहब आवाज सुनो, आप आवाज सुन रहे हो, आवाज कीच। ओ फिर से ये ऊपर आ रहा है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा और डालते हैं इसमें बेकिंग सोडा। तो गाइस आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो वीडियो को, आगे भी ऐसे मस्त बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिलते रहेंगे।